आज हम बनाएंगे बटर गार्लिक पोटैटो। इसके लिए सबसे पहले ये मैंने बटर लिया है, इसे हम गर्म करेंगे। साथ में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। अगर रिफाइंड ऑयल नहीं डालेंगे तो बटर जो है वो जल जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने चॉप्ड की हुई बहुत सारी गार्लिक ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसे हम सॉटे कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। हम इसी तरीके से इसे स्टिर करते हुए सॉटे करेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो काफ़ी चेंज होने लगा है। बस हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये कहीं से जल जाएंगे और कहीं से कच्चे रहेंगे। अब ये हमारे देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर पोटैटो ऐड कर दूंगी। पोटैटो ऐड करने के बाद हम इसे इसी तरीके से सॉटे करेंगे। ध्यान रहे हमें इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इसे जब तक स्टिर करते हुए सॉटे करना है जब तक कि पोटैटो का कलर चेंज नहीं हो जाता है और वो थोड़े थोड़े से गोल्डन ब्राउन नहीं दिखने लगते हैं। हम उसे लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं आलू का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर थोड़ा सा, इसे हम मिक्स कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक पिंच हल्दी। हल्दी से जो है इसका कलर वो अच्छा आएगा। और हल्दी ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैं पानी से छींटे लगाऊंगी ताकि जो मसाले की कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। बस हमें बहुत ही थोड़ा सा कुछ बूंदे ही पानी डालना है। उसके बाद मैं ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी और इसे मिक्स करेंगे। और ये हमारी बटर गार्लिक पोटैटो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।